अर्की उपमंडल के बातल गांव में आयोजित दो दिवसीय दशहरा मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस समिति कार्यकारिणी के सदस्य संजय अवस्थी ने की। दूसरी सांस्कृतिक संध्या में चुंडेश्वर कला मंच और दूरदर्शन के कलाकारों द्वारा एक से एक प्रस्तुतियां देकर लोगों का मनोरंजन किया। कर्नल शांडिल ने कहा कि मेलों के दौरान आयोजित की जाने वाली सांस्कृतिक संध्याओं से क्षेत्र विशेष के लोगों को देश विदेश की प्रतिभाओं से रूबरू होने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि बातल गांव को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और यहां के बाशिंदों ने अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है और गांव में संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिभाओं को निखारने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि युवाओं को सशक्त मंच प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी मेलों, त्योहारों और उत्सवों इत्यादि में स्थानीय कलाकारों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यहाँ छोटी काशी के रूप में हम इस गाँव को जानते हैं और बहुत जागरूक लोग हैं, विद्वान लोग हैं और सचमुच में हमारी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि इतनी देर तक इतनी संख्या में लोग आनंद ले रहे हैं यहाँ के कलाकारों का, खासकर हमारे जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, चाहे जियालाल जी थे या जो भी बच्चियाँ आपके सामने प्रस्तुति दे के गई हैं। मैं समझता हूँ हर कलाकार के बीच जो उनका उनकी प्रतिभा है, जो उनका गुण है, उसको हमें आदर करना चाहिए और कल को इन्हीं लोगों ने अच्छे कलाकार बनकर हमारे इलाके का नाम रोशन करना है। ठीक है, लगभग 900 मीटर का इलाका नीचे और 900 मीटर वापस, समझिए 2 किलोमीटर हमने जाना है और सीमा जी ने भी इसके बारे में कह रहे थे ये बड़ी ज़रूरी यहाँ की आवश्यकता है। तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि जैसे ही मैं वापस दफ्तर जाऊंगा, इस डिमांड को सबसे पहले इसका समाधान ढूंढेंगे ताकि आप लोगों तक बस पहुंचे। के चैनल के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। Oh,